मतलब ग्राउंड फ्लोर को मिला के 5 मंजिला तक खड़ी हुई है सिंगल दीवार पे बताऊँ। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं आज का न्यू ब्लॉग और आज हम लोग जा रहे हैं ओल्ड गोवा। और ओल्ड गोवा में एक्चुअली सेंट फ्रांसिस चर्च है जो गोवा का सबसे बड़ा चर्च है एक्चुअली। तो आज वहाँ पर जो है ना सेंट फ्रांसिस की जो डेड बॉडी है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि 400 साल पुरानी डेड बॉडी है जिसको संभाल के रखा गया है। आज के दिन उसको सबको दिखाया जाता है डेड बॉडी को। आई डोंट नो कि दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं, लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं तो मिलते हैं और देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। सो फाइनली भाई अपन पहुंच तो गए, लेकिन पहुंचने के बाद भीड़ तो देखो अल्टीमेट तरीके से। और यहाँ से फिलहाल में 1/2 किलोमीटर और जाना है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे गांव की मिठाई में आ गया। अरे सिटी मारो ना, सिटी नहीं मार सकते हार्ड नहीं मारेंगे, ट्रेन वाला हार्ड हार्ड अंदर वो ग्यारह लोग पहुँचे दूसरा। फाइनली भाई इतनी मशक्कत के बाद हम लोग अंदर तो पहुँच ही गए, लेकिन अंदर पहुँचने के बाद पूरा खाली कार्यक्रम मिल रहा है। भाई ये लाइन लगी देखो, आखिर फाइनली हमारा मिला की मशक्कत के बाद गेट पर मेन गेट पे तो पहुंच ही गए। अब देखते हैं अंदर में कितनी बाहर की कॉफ़ी नहीं पियेंगे, अंदर की कॉफ़ी पियेंगे एक बार। देख हम इसी के पास
फाइनली आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ पर ख़त्म, क्योंकि यार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा भी हो चुका है, सब कुछ घुमा चुके हैं ऑलरेडी। और सबसे पहली बात कि जो सैन फ्रांसिस जेवियर की जो बॉडी है ना, वो हर 10 साल में बाहर निकालते हैं, तो इस साल बाहर नहीं निकालेंगे, वो 2024 में नहीं लास्ट, मतलब 2 साल बाद, मतलब लास्ट टाइम 2014 में निकाली थी, अब 2024 में बाहर निकालेंगे। तो इस बार तो नॉर्मली फंक्शन हुआ, बट कोई नहीं, अगर टाइम रहा तो अगले 2 साल बाद वापस से आएंगे, फिर वापस से दिखाना होगा आप लोगों को। और कोई नहीं यार, अगर मेरे ब्लॉग पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट करके मुझे ये बताओ कि यार कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग, और आज का ब्लॉग करते हैं ये पर खत्म, मिलते हैं अगले ब्लॉग।